नमस्ते बिटिया, जिसकी हमेशा खुश रहो। इसकी जेबीएन डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसॉफी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आवर टुडे टॉपिक इज अफोरिज्म 160, होम्योपैथिक एग्रावेशन। बट एज द डोज ऑफ ए होम्योपैथिक रेमेडी, कैन स्कार सर्विंग ever be made so small that it shall not be able to really overpower, indeed completely cure and annihilate the uncomplicated natural disease of not long standing. That is analogous to it. Means, जैसा कि अगर हमारी डोज इतनी भी स्मॉल नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मार्केट में स्मॉल डोज मिनिमम डोज, लेकिन इतनी भी स्मॉल नहीं होनी चाहिए कि वो एक्यूट डिजीज को, मतलब नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिजीज है, एक्यूट डिजीज है एंड अनकॉम्प्लिकेटेड फॉर्म वाली है, तो उनको भी वो एनिहिलेट ना कर पाए, रिमूव ना कर पाए। तो इतनी स्मॉल डोज भी नहीं होनी चाहिए कि नॉट बी एबल टू रियली ओवर पावर, इंडीड कम्प्लीटली क्योर एंड एनिहिलेट the uncomplicated natural disease of not long standing, that is analogous to it. Means, जो medicine इसके अनुरूप थी, जो similar relation के अंदर medicine भी हमें लेकिन इतनी small भी नहीं होनी चाहिए जो disease को cure ही नहीं कर पाए। We can understand why a dose of an appropriate homeopathic medicine, not the very smallest possible, does all this during the first hour of its condition produce a perceptible homeopathic aggravation of this kind. We can understand, हम समझ सकते हैं क्यों, why a dose of an appropriate homeopathic medicine, appropriate homeopathic medicine मतलब हो गया suitable medicine, most similar medicine, not the very smallest possible, does always during the first hour after डोज भी हम देंगे तो थोड़ा सा स्लाइट सा एग्रावेशन होना चाहिए केस, तब ही जाके मतलब हमें आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्गर बनानी है, तब ही वो नेचुरल डिजीज को एंग्रेट कर पाएंगे। और इतनी सी स्ट्रॉन्ग चाहिए कि से पेशेंट को परेशानी ना हो, जैसे कि हमारा जो आइडियल क्योर की डेफिनेशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। देयर इज ए फुट नोट जिसके अंदर सल्फर के बारे में बात की गई है, सल्फर रिडक्शन मेडिसिन प्रेस्क्राइबरी सल्फर इसके एलर्जी के लिए, इसके पेशेंट के लिए, और उसके बाद में लेने के बाद में थोड़े से उसको पेशेंट को लगते हैं कि ये इरप्शन बढ़ गए, ये एक्चुअली ये सारे इरप्शन है सल्फर की वजह से, डिजीज की वजह से नहीं है। और ऐसे ही दूसरा है वायोलेट ट्राइकोलर के बारे में, मतलब कि एक्यूट कंडीशंस के एग्जांपल दिए में तो मेडिसिन देने के बाद में ये होम्योपैथिक एग्रावेशन पेशेंट को फील होता है और इसे डिजीज के सिम्टम्स थोड़े से बढ़े, लेकिन वो एक्चुअली मेडिसिन आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज के सिम्टम होता है। सो हेनीमैन एक्सप्लेन इन दिस अफोरिज्म दैट डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज नॉट मेड सो स्मॉल दैट इट शैल नॉट बी एबल टू एमिलियोरेट ओवर पावर एंड रिमूव the natural disease. Those should all have the power to produce slight homeopathic aggravation. So this is our aphorism is complete. This session powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve. आया कि समझ में, ये 160 अफोरिज्म के अंदर हमने प्रति एग्रावेशन के बारे में किया। नाउ आई कंप्लीटेड टुडे लेक्चर्स, थैंक यू।